दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। और आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक रहेगा ये है पटना कॉलेज के बारे में, है ना, और बीएन कॉलेज के बारे में, और वाणिज्य महाविद्यालय के बारे में, और स्पोर्ट्स डे के बारे में, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमारी है वो है एडमिशन से रिलेटेड, और मगध महिला कॉलेज के बारे में। सॉरी, आज ही मेरा काम नहीं कर रहा है इतनी अच्छी तरह से। मगध महिला कॉलेज के बारे में और हमारी बहुत सारी अपडेट्स हैं, आपको मैं वीडियो में धीरे धीरे बताते रहूँगा। वीडियो को ज़रा भी स्किप न करें, क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलता हूँ जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी मैं करियर गाइडेंस देता हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, है ना। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो, है ना। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताते रहूँगा, बने रहें हमारे साथ। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो भी डाउट होता है आप कमेंट करें, बिकॉज दिस चैनल इज़ फेमस फॉर रिप्लाइंग दी कमेंट्स, है ना। हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, आप कोई भी कमेंट करें, कैसा भी कमेंट करें, हम उस सब का रिप्लाई करते हैं, है ना। तो बने रहें वीडियो में और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। यस, PU 25 तक हॉस्टल के लिए करें आवेदन। पटना विश्वविद्यालय में 25 फरवरी तक हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। PG का अलॉटमेंट विश्वविद्यालय के द्वारा कॉलेज के हॉस्टलों का अलॉटमेंट कॉलेज प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। स्टूडेंट वेलफेयर डीन प्रोफेसर एनके झा ने बताया कि फरवरी तक हॉस्टल का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। हॉस्टल में सभी कमरे अलॉट होंगे। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा इधर, एक सेकेंड। यस, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दो तरह के हॉस्टल होते हैं ना, दो तरह के हॉस्टल होते हैं। जो पहला हॉस्टल होता है ये होता है कॉलेज का, और जो दूसरा हॉस्टल होता है ये होता है यूनिवर्सिटी का। कॉलेज वाले हॉस्टल में क्या होता है कि सिर्फ कॉलेज के बच्चे रहते हैं, और यूनिवर्सिटी वाले हॉस्टल में क्या होता है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे रहते हैं। यूनिवर्सिटी मतलब सारे कॉलेज के, जैसे पटना यूनिवर्सिटी में 7-8 कॉलेज हैं, तो इन सब के बच्चे, इन सभी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र यहाँ पे रहेंगे, तो ये मतलब है। और PG का जो एडमिशन है, मतलब PG का जो हॉस्टल का प्रोसेस है, PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, आप सभी जानते होंगे, इसे पेइंग गेस्ट से कॉन्ट्रेडिक्ट ना करें, इसका मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन। PG के जो बच्चे हैं इनको जो हॉस्टल है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा, और जो UG के बच्चे हैं इनको हॉस्टल अभी तो इनकी तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से मिलेगा, लेकिन लास्ट में सीटें बच जाती हैं तो उन्हें फिर यूनिवर्सिटी के बेस पे निकालते हैं, है ना। तो आप दोनों के लिए तैयार रहें, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे क्या क्या अपडेट्स आए जा रही हैं, है ना। और हमारी ये जो दूसरी अपडेट है ये है, यस, MMC BA की बची सीटों पर हुआ प्रवेश। PU की ओर से बची हुई सीटों पर में नामांकन के लिए मंजूरी मिलने के बाद मगध महिला कॉलेज में गुरुवार को BA और BSc की 35 सीटों के लिए ऑन द स्पॉट एडमिशन लिया गया। BA के एडमिशन इंचार्ज डॉक्टर जिया उल हसन ने बताया, साइकोलॉजी, होम साइंस और संस्कृति की सारी सीटें भर चुकी हैं। पशियरन में 4 सीटें खाली रह गई हैं। वहीं बुधवार को कॉलेज में फाइन आर्ट्स कमेटी ने यूनिवर्सिटी के EWS एनके झा, डॉक्टर एनके झा और प्रॉक्टर डॉक्टर रजनीश कुमार ने 3 छात्राओं का चयन किया है। यह छात्राएं विश्वविद्यालय से अनुमोदन मिलने के बाद यहां पर क्लासें कर सकेंगी, है ना। और ये जो अपडेट है, अब अगली अपडेट ये है, PG की सीटों के लिए MCI का निरीक्षण। MCF क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। MCI का मतलब होता है मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया, है ना। तो अब न्यूज़ पढ़ते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट की 5 सीटों के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने निरीक्षण किया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने बताया कि वर्तमान में फॉरेंसिक में PG की 3 सीट पर पढ़ाई की जा रही है, लेकिन 5 सीट पर एडमिशन लेने के लिए आवेदन भेजा गया है। इसको देखते हुए MCI की ओर से पुडुचेरी से डॉक्टर पुषा की देखरेख में निरीक्षण किया गया। डॉक्टर शाह फॉरेंसिक विभाग के अलावा पोस्टमार्टम हाउस गए और गंभीरता से निरीक्षण किया। डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने कहा कि अस्पताल में सभी जरूरतें पूरे होने के बाद MCI को 3 जगह 5 सीट बढ़ाने का आवेदन किया गया था, जिसके तहत ये निरीक्षण हुआ है। डॉक्टर शाह विभाग में उपलब्ध लिटरेचर कार्यरत डॉक्टरों का सत्यापन किया। तो ये थी एक और अपडेट।
अब जो है ये है पटना वुमेन्स कॉलेज में स्पोर्ट्स डे मनाया गया और मगध महिला में कल होगा, है ना। अब इसकी क्या अपडेट है, पटना वुमेन्स कॉलेज में शुक्रवार को स्पोर्ट्स डे का आयोजन हुआ। इसको ध्यान में रखते हुए सीमित गतिविधियों के साथ आयोजन हो रहा है। इस दिन पहली बार गर्ल्स बैंड अपनी प्रस्तुति देगा। इस दिन सभी विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। वहीं मगध महिला कॉलेज में शनिवार को वार्षिक खेलकूद समारोह मनाया जाएगा, है ना, मतलब कल होगा वहाँ मगध महिला कॉलेज में। और ये है आपकी क्लास से रिलेटेड। पटना विश्वविद्यालय में 50% उपस्थिति के साथ सभी क्लास शुरू। पटना विश्वविद्यालय में 50% उपस्थिति के साथ यूजी पीजी समेत तमाम कोर्स के सभी कक्षाएं गुरुवार को शुरू हो गए हैं। पहले दिन रूटीन जारी नहीं होने के कुछ जगहों पर कक्षाएं शुरू नहीं हो सकी थी। देखिए, ये आप ध्यान से पढ़िए, एक सेकेंड। यस, पहले दिन रूटीन जारी नहीं होने की वजह से कुछ जगहों पर कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई थी, है ना, मतलब आप लेट नहीं हुए हैं, अभी रूटीन ही जारी नहीं हुआ, है ना। सब अभी अल्टरनेट क्लास चल रही हैं। अल्टरनेट क्लासेस मतलब कि एक दिन जैसे क्लास में 100 बच्चे हैं, है ना, तो पहले दिन जो है हम रोल नंबर 1 to 50 को बुला लेंगे और दूसरे दिन हम जो है 50 to 100, 51 to 100 को बुला लेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि रोल नंबर लेना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे इंडक्शन मीट में तो आपको मिल ही जाएगा रोल नंबर, तो आप अपना रोल नंबर ध्यान से ले लें। रोल नंबर जो ऐसी चीज़ है, ये आपको तीनों साल सेम ही रहेगी, है ना, रोल नंबर ही सिर्फ आपके साथ रहेगा तीनों साल, और बाकी दोस्त वोस्त तो आते जाते रहते हैं, है ना, तो आप ज़्यादा ध्यान उन पर ना दें, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, है ना। तो 50% छात्रों को एक दिन और अन्य छात्रों को दूसरे दिन क्लास कराया जा रहा है। जब तक कोविड महामारी की समस्या समाप्त नहीं होती है तब तक इसी प्रकार की क्लासें चलेंगी। इस प्रकार छात्रों के लिए 1 सप्ताह में 3 दिन ही क्लासें हो रही हैं। मतलब लास्ट में क्या होता है ना कि आपको खुद ही से पढ़ना होता है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं, क्योंकि देखो यार, अब आप कॉलेज में आ चुके हो, है ना। कॉलेज में भी अगर आपको टीचरों की तरह वही ब्लैक बोर्ड पर लिखवाएं, आप कॉपी करेंगे, तो ये सूट नहीं करता, है ना। आगे चल के आपको एक जॉब लेनी है तो वहां पे तो आपको कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखाने आएगा नहीं, आपको अपना खुद का दिमाग चलाना है, आपको रिसर्च करने होंगे। आप साइंटिस्ट बनते हैं, आपको रिसर्च करने होंगे, इसरो नासा सब आपके लिए सारे गेट्स खुले हुए हैं, है ना। जिसको आईएएस बनना है, यूपीएससी करना है, उसको आगे चल के खुद डिसीजन लेने होंगे। तो अगर कॉलेज में भी आपको स्कूल की तरह पढ़ाएंगे तो इफ़ यू आर एबल टू टेक द डिसीजन ऑन योर ओन, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, है ना। आप सभी अगर सहमत हैं तो कमेंट में कुछ लिखें। छात्राओं को स्वरोजगार के लिए क्रिया प्रेरित। मगध महिला कॉलेज में सूक्ष्म लघु और मध्यम विकास संस्थान भारत सरकार की ओर से 2 दिवसीय औद्योगिक जागरूकता या उत्प्रेरणा अभियान का आयोजन किया गया है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शशि शर्मा ने छात्राओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरणा देते हुए अनुशासन को अपने जीवन में शामिल करने की सलाह दी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थानों ने सहायक निर्देश रविकांत ने छात्राओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया और मंत्रालय की विभिन्न स्कीम के बारे में बताया। संस्थान के सहायक निर्देशक नवीन कुमार ने प्रसिद्ध उद्योगपतियों के उदाहरण के माध्यम से अपनी बात रखी। तो ये था हमारा, यस। तो अब हमें बात करनी है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीएन कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी। इन्होंने भी अपना टाइम टेबल रिलीज कर दिया है और इनका ये जो टाइम टेबल है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, एच का मतलब होता है हॉल, है ना, ये जो भी H1, H2 और फिर ये रूम नंबर आपके लिखे हुए हैं, है ना, ये आपके डेज लिखे हुए हैं, ये पीरियड लिखे हुए हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, जैसे स्कूल में होता था, सेम ऐसा इधर भी है। ये सेशन आपका 2020 to 2021 और ये आपका फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड, है ना। आपकी जो क्लासें हैं ये जो है आपकी 10 बजे से लेके 2 बजे तक चलेंगी। तो उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर आपने नहीं लिया है तो अपने दोस्तों को ये शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये वीडियो का लाभ हो सके, है ना। दूसरी चीज़ है पटना कॉलेज के बारे में। पटना कॉलेज पटना के बीबीए स्वत्वित पोषित व्यवसायिक कोर्स, मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के सेमेस्टर फर्स्ट के ऑफलाइन वर्क का संचालन 19 फरवरी 2021 के 11:30 बजे कॉलेज के प्रशासन के प्रशासनिक भवन में कमरा नंबर 69 अर्थशास्त्र विभाग में होना सुनिश्चित किया गया है। 19 तारीख को, है ना, मतलब आज से ही 11:30 बजे। अतः बीसीए स्ववित्त पोषित, मतलब ये जो आपकी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है, ये हिंदी काफ़ी टफ आ जाती है कई बार, है ना, तो इससे आप कुछ गलत ना समझें।
इंग्लिश मेरी काफ़ी अच्छी है, तो जो बीसीए का बीबीए का जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। और ये कौन से कॉलेज की है, यह है पटना कॉलेज की है, और सेमेस्टर फर्स्ट की ये न्यूज़ है। जितने भी बच्चे हैं इन्हें इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट अर्थशास्त्र विभाग में बुलाया गया था आज सुबह 11:30 बजे। अगर आज आप नहीं गए तो कल जाके आप अपनी डिटेल्स ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है वाणिज्य कॉलेज। सबसे पहले मैं पार्ट वन की बात कर लूँ, ये है पार्ट वन का टाइम टेबल। पार्ट वन में आपका क्या दिया हुआ है ये देखिए, ये जैसे लिखा ही हुआ है साफ साफ पार्ट वन, और यहाँ पे सेक्शन लिखे हुए हैं, सेक्शन ए बी, और ये टीचर्स के नेम लिखे हुए हैं इधर, है ना। तो आप इसे देख लें, ए बी सी डी सेक्शन है हमारे। सेक्शन ए का मतलब क्या है, रोल नंबर 1 to 100, जैसा मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, कि आपको फेज वाइज बुलाया जाता है। और सेक्शन ए को कब कब बुलाया जाता है, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे। सेक्शन सी डी को कब कब बुलाया जाएगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। और सेक्शन ए में जो बच्चे आते हैं ये है 1 to 100 रोल नंबर वाले, सेक्शन बी में 100 to 200, सेक्शन सी में 201 to 300, और सेक्शन डी में 300 और आगे वाले, है ना। तो ये था हमारा टाइम टेबल। अब ये देखिए, ये है आपका पार्ट टू का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक्सप्लेनेशन पहले ही दे चुका हूँ, है ना। तो ये आप देख लें, वाणिज्य महाविद्यालय का है। और ये है पार्ट थ्री वालों का, पार्ट थ्री का भी दिया हुआ है ऑनर्स पेपर, पेपर 5, 6, 7, 8, तो ये भी आप देख लें। और दूसरी चीज़, यस, ये पटना कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, पटना कॉलेज के स्नातक कला भूगोल ससमान सेमेस्टर फर्स्ट ईयर सेशन 2020-23 का इंडक्शन मीट 22 फरवरी 2021 को 10 बजे PM पूर्वाहन, मतलब PM AM पूर्वाहन, मतलब AM भूगोल विभाग के सेमिनार हॉल में होगा। तो ये भी आप अपने दोस्तों तक ये न्यूज़ पहुंचा दें। और देखो यार, मतलब क्या है ना कि बच्चे कहते हैं कि भैया हमारी 22 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, 22nd of February आर क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट। तो ये कुछ बच्चों के लिए सही है क्योंकि सबका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैंने पिछली वीडियोस में भी कवर किया है किन किन बच्चों को जाना है, किन किन को नहीं जाना है, अभी किन का बुलावा आएगा, है ना, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी डाउट्स है आप अपने कमेंट में लिखें। थैंक यू जेंटलमैन।